नमस्कार, मैं हूँ माला और मेरे YouTube चैनल माला की पाकशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल बर्गर। देखिए, सब्जियों का सीजन है, बहुत सारी सब्जियां हैं और ये बिल्कुल नए तरीके का बर्गर है, तो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए, मैंने सब्जी ले ली है, ये शिमला मिर्च है, ये एक मीडियम साइज का शिमला मिर्च है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये आधी कटोरी मटर है, ये मैंने बॉयल ले लिया है। ये 5 से 6 फ्रेंच बीन है, इसको भी रफली चॉप कर लिया है। ये 3 मैंने आलू ले लिया है, ये बॉयल्ड है। और ये एक गाजर है मीडियम साइज की, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। देखिए मसाले, ये 2 चम्मच ले लिया मैंने पाव भाजी मसाला। ये एक मीडियम साइज का टमाटर है, ये मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 3 से 4 हरा मिर्च है, तीखा है तो अगर आप कम खाते हैं तो इसको कम कर लीजिए। ये मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा है, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। ये लहसुन है, 5 से 6 कलियाँ हैं, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये एक मीडियम साइज का प्याज है, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये 3 से 4 चम्मच टमाटो सॉस है, इतना ही ये पिज्ज़ा सॉस है। ये 1 चम्मच नमक है या फिर स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी, ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है। ये चीज़ क्यूब ले लिए हैं मैंने 2, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं, इसे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 1/2 चम्मच धनिया पाउडर है। ये 2 चम्मच बटर है, मैंने 2 बर्गर बन ले लिए हैं। देखिए, सब्जियां मैंने रफली चॉप की थी, इसको बस ग्रेट करना है, इसलिए मैंने सारी सब्जियां एक साथ डाल दी हैं, मटर को छोड़ दिया है। देखिए, सारी सब्जी अच्छे से ग्रेट हो गई है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ले लें, देखिए कढ़ाई गर्म हो गई है, मैं इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल रही हूँ। अब तेल के साथ ही इसमें बटर डाल दीजिए, इस तरह बटर जलेगा नहीं। इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल दीजिए, मैं आपको बताना भूल गई थी, जीरा जैसे ही चटकने लग जाए, देखिए जीरा हो गया है। अब इसमें ये हरा मिर्च, अदरक और लहसुन डाल दीजिए, बस इसे इतना ही पकाना है कि इसका कच्चापन निकल जाए। ये अदरक लहसुन हो गया है, अब इसमें प्याज डाल दें। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसको उतना ही पकाना है। देखिए प्याज हो गया है, अब इसमें मसाले डालने हैं, हल्दी, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर और नमक। बस करीब 1 मिनट तक भूनना है और गैस बिल्कुल कम रखनी है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। जैसे मसाले हो जाए इसमें सब्जियां डाल दें। देखिए सब्जियां अच्छे से भुन जाए, इसको उतना ही पकाना है, बस क्रंच बना रहे हैं। मम्मियाँ कंप्लेन करती है ना कि बच्चे सब्जियां नहीं खाते, इस तरह बनाकर खिलाइए बर्गर में, तो बच्चों के साथ साथ मम्मियाँ भी खुश हो जाएंगी। देखिए सब्जियां हो गई हैं, इसमें टमाटर, टमाटर के साथ ही इसमें अब डाल दीजिए पाव भाजी मसाला। देखिए पाव भाजी मसाला टमाटर सब अच्छे से मिक्स हो गया है, कितना अच्छा दिख रहा है। बस अब इसमें आलू डाल दीजिए, ये आलू को मैंने मैश कर लिया है। बस इसको भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बिल्कुल नए तरीके का बर्गर है आज।
देखिए आलू भी अच्छे से मिक्स हो गया है, बस अब इसमें सॉस डालना है। सॉस आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए सॉस भी अच्छे से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। बस अब गैस कम कर दीजिए बिल्कुल, और अब इसमें लास्ट में जाएगी चीज। ठीक, कितना अच्छा लग रहा है, बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए चीज अच्छे से मिक्स हो गई है, बस गैस बंद कर दें। एक तवा ले लें, उस पे बटर डाल लें। ये बर्गर्स, बस इसको दोनों तरफ से इसको बटर में अच्छे से कर रोस्ट कर लें। देखिए ये बन मैंने सेक लिए हैं, बस इसको ऐसे लेना है और ये स्टफिंग इसमें डालनी है। ये देखिए बिल्कुल नए तरीके का बर्गर, सब्जियों से भरपूर। तो फिर बनाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।